भाई एक लीड दिखाई सस्ती सी, बढ़िया वाला चार्जर दिखा यार। ये वाला कितने तक का पड़ेगा? अरे उस दिन पता करके गया था ना मैं MI का, भाई एक रिचार्ज मारियो जियो का। नंबर बताओ। 7982। पैसे मैं अभी आगे करवाता हूँ। भाई जियो का नंबर ऑन करवाना है। इसकी डाटा केवल कितने तक की पड़ेगी? बोट्स के हेडफोन्स होंगे। भाई इस वाले फोन का प्राइस बताना। सी टाइप OTG है तेरे पास? बुरा बोलने को तो सब बुरा बोल देते हैं उनको, पर कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि एक बैक बेंचर ना अपने सेल्फ रेस्पेक्ट की L लगवा लेता है। किस लिए? सिर्फ पूरी क्लास को हंसाने के लिए। हेलो, कौन? आवाज पहचानी? अरे तेरे को कैसे भूल सकता हूँ, स्कूल में सबसे ज्यादा तूने तो हंसाया है। और अब? अब तो हंसने भूल गए हम। चल छोड़, और बता कैसा है? वही यार, जॉब की टेंशन, घर के बिल्स की टेंशन, और जब कोई टेंशन ना हो तो EMI की टेंशन। एक बात बोलूं? वो साला स्कूल ही अच्छा था। एग्जाम में भले ही कुछ ना लिखा था, पर उस दिन दोस्त की शर्ट देखने लायक थी। वहां थी भले ही दोस्तों की गालियां और टीचर की मार, पर वही अच्छा था। इस भाग हम भाग जैसी सक्सेस और तालियों के कंपटीशन से कम अच्छा था। अब तो सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है और ना जाने करने किसकी खोज है। अब बोझ बस्ते से ज्यादा जॉब का लगता है, हर पल हर वक्त हर रोज का लगता है। सब कहते थे 12वीं कर लो फिर मजे करना, पर ना जाने क्यों अब ये उस मजे को जिंदगी का स्ट्रगल कहते हैं। मम्मी की टेंशन और बढ़ गई है। पहले खाना ले जाने को कहती थी, अब खाना खा लेने को कहती है। शायद उन्हें भी पता है कि लंच खुलने और खत्म हो जाने का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। लव यू मॉम। दोस्ती कट्टी नोकझोंक से बदलकर नफरत धोखेबाजी में बदल गई है। और पापा कहते हैं, बेटा अब असली स्ट्रगल तो यही है। अब वो लम्हे याद आते हैं, ये लम्हे काट खाते हैं। अब रातें बात करने लगी है, खामोशी के साथ करने लगी है। अब 12th के बाद वादी खुशी की वो पट्टी हटने लगी है। अब जिम्मेदारियों और हिस्सेदारियों की वो पर्ची बटने लगी है। काश काश कोई हमें बता देता, काश कोई हमें समझा देता। आगे सफर आसान नहीं, खट्टी मीठी बातें जिंदगी का नाम नहीं। स्ट्रगल कर लो तभी आगे मसला हल हो पाएगा। काश कोई ये लिखवा देता, आगे आने वाली जिंदगी में कौन सा रंग कब कहाँ और कैसे आएगा। काश कोई हमें ये पढ़ा देता, स्कूल हमारा जंगल है और ये दुनिया एक चिड़ियाघर। सबका अलग मकसद है, सबका अलग घर। कोई आगे खास होगा तो कोई आगे बकवास होगा। शायद ये ख्याल ये नजरिया सिर्फ मेरा नहीं, इस जनरेशन के हर शख्स की हर नजर का होगा।